सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल मोबाइल टिप्स में। दोस्तों हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वीवो V25 Pro फ़ोन के बारे में। अगर ये फ़ोन आप यूज़ करते हैं तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले अपने फ़ोन में MI कंट्रोल सेंटर सेटिंग कैसे ऑन करेंगे और उसे कैसे यूज़ करेंगे। MI कंट्रोल सेंटर सेटिंग जो हमारी होती है, हम अपने फ़ोन के जो ये सब कुछ होते हैं जैसे अपने डाटा, वाईफाई या ऑटो रोटेट, ब्लूटूथ, फ्लैश लाइट, ये सब जो होता है, ये सब एप्लीकेशन को हम अलग तरीके से चेंज कर सकते हैं, जिसमें हमारी वॉल्यूम बटन वो भी चेंज हो जाती है और ब्राइटनेस होता है वो सब कुछ हमारी जो ये सेटिंग वाली सब चेंज हो जाता है, उसी को हम MI कंट्रोल सेंटर बोलते हैं। तो हम इसको अपने फ़ोन में किस सेटिंग में ऑन करेंगे जो कि हमारा ये सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों इसके लिए हमें चलना होगा सबसे पहले अपने फ़ोन की सेटिंग पर। तो हम चलते हैं अपने फ़ोन की सेटिंग पर। ये देखिए हमारी फ़ोन की सेटिंग है, यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब हमें इसे थोड़ा स्क्रॉल ऊपर करना है। स्क्रॉल करेंगे तो हमें यहाँ पे दिखाई देगा शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी को ऑप्शन। तो हम इस वाले सेटिंग पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर दिखाई देगा नीचे से दूसरे नंबर पर एक्सेसिबिलिटी को ऑप्शन। तो हम इस पर फिर क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ कुछ इस तरह के इंटरफेस आ जाएंगे। तो हमें यहाँ पे दिखाई देगा तीसरे नंबर पे MI कंट्रोल सेंटर। तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ दिखाई देगा यूज MI कंट्रोल सेंटर। तो हम इस सेटिंग को यहाँ से ऑन कर देंगे। अब यहाँ से ऑन करने के बाद आपको तीन ऑप्शन आएंगे, अलाउ, डेनी, इंस्टॉल। तो हमें यहाँ अलाउ वाले ऑप्शन पर अलाउ कर देना है। अब यहाँ से हमने अलाउ कर दिया। अब हमारा जो है MI कंट्रोल सेंटर पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ से इस तरह करेंगे। तो हमारे फ़ोन के देखिए MI कंट्रोल सेंटर जो था मोबाइल डाटा, वाईफाई, ब्लूटूथ, फ्लैश लाइट सब कुछ देखिए एकदम सिंपली तरीके से चेंज हो गया। जो ब्राइटनेस है ये भी देखिए कुछ इस तरह का हो गया। हम अपने वॉल्यूम बटन को करते हैं, उसकी भी हम देख लेते हैं यहाँ, लेकिन वॉल्यूम बटन यहाँ पे नहीं चेंज हुआ। तो ये सब आपके MI कंट्रोल सेंटर में इसी तरह का सब कुछ हो जाएगा। तो इसी तरह आप अपने वीवो V25 Pro फ़ोन में आसानी से MI कंट्रोल सेंटर सेटिंग को ऑन करके उसे यूज कर सकते हैं, अपने फ़ोन को कुछ इस तरह से बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।